उस समय भी और जब मैं सन्यासी जीवन में था, उस जमाने में जब गया था, उसमें दो मुख में 10 किलोमीटर का फर्क आ गया, 10 किलोमीटर बर्फ पीछे सड़क गई, क्योंकि बर्फ बिगड़ती गई, पेड़ घटते गए। नाम तो जरूर भोजभाषा है, भोजभाषा का मतलब है जहां भोजपत्र करोड़ों की संख्या में पत्र हो। और आपको ये जानकर के बहुत ज्यादा आनंद होगा कि पूरे 250 किलोमीटर के एरिया में अब भोजपत्र का एक छोटा सा पेड़ बचा हुआ है। जहां लाखों पेड़ थे वहां एक पेड़ इसलिए बच गया है कि वहां के निवासियों ने कटने के लिए तैयार हो गए, तो पेड़ को कि हमारे आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि भोजपत्र का पेड़ कैसा होता था। तो पेड़ करके धन भी, यश भी, मान भी, पद भी, प्रतिष्ठा भी, ऐश्वर्य भी,
जीवन की पूर्णता भी जीवन की सर्वोच्चता भी श्रेष्ठता भी मिल सकता है यदि आपके पास एक सही और प्रामाणिक रास्ता है तो। यदि आपको कोई भरमाएगा और गुरु तो हमेशा भरमाएगा, गुरु इसलिए भरमाएगा कि गुरु को स्वार्थ है। तुम अगर मथुरा चले जाओगे, काशी चले जाओगे, हरिद्वार चले जाओगे तो दो के बाद तुम्हें गुरु मिलेंगे, एक दो नहीं मिलेंगे। वहां तो पूरी पगडंडी की पगडंडी बैठी हुई है, तिल छापे किए हुए, भगवे कपड़े पहने हुए, एक नहीं 50 आप मिलेंगे। वो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, वो तुम्हें जीवन में चेतना नहीं दे सकते, उनके जीवन में कोई दर्द नहीं है। वो तुमसे भिक्षा मांग सकते हैं, वो कहेंगे हम मंदिर बना रहे हैं तुम्हें 500 रुपए तुम शिष्य दो, हम तुम्हें दीक्षा देंगे। जो खुद तुमसे भीख मांग रहा है वो तुम्हें देगा भी क्या, वो तुम्हें क्या दे सकता है, तो गुरु बनी कैसे सकता है। उनमें चेतना है कहां, भगवे कपड़े पहनने से चेतना नहीं मिल सकती। संध्या चार तो जिंदगी भर भगवे कपड़े पहने ही नहीं, गोरखनाथ ने कभी भगवान कपड़े नहीं पहनते थे, और ये सारी धरती उन गोरखनाथ की तपस्याओं से आपूर्ति स्थल है जहां उन्होंने साबर साधनाओं की साधनाएं संपन्न की, साबर साधनाएं की, मंत्रों के रचना की, मंत्रों को उत्पन्न किया, एक नवीन तरीके से मंत्रों का निर्माण किया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस धरती को कैसा हो गया, क्या हो गया। हमारी धरती पर वशिष्ठ पैदा हुए, विश्वामित्र पैदा हुए, गर्ग पैदा हुए, कणाद पैदा हुए, अगस्त्य पैदा हुए, अरुंधति पैदा हुई, वैसे उच्च कोटि के योगी सन्यासी पैदा हुए, भगवान बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए, शंकराचार्य पैदा हुए, गोरखनाथ पैदा हुए, फिर 5000 वर्ष बीच में बीत गए, एक भी पैदा नहीं हुआ, क्या हुआ? कभी सोचा नहीं हमने इस बात को, इन 5000 वर्षों में कुछ बात ही नहीं हुई, कोई शंकर भाष्य नहीं लिखा गया, कोई गोरखवाणी नहीं लिखी गई। क्यों नहीं गोरखनाथ, एक और गोरखनाथ क्यों नहीं पैदा हो गया, एक मुस्लिम नाथ क्यों नहीं हमारी धरती पर जन्म दिया, क्यों नहीं एक शंकराचार्य और आ गया, एक वशिष्ठ क्यों नहीं आ गया, क्या हो गया इन 5000 वर्षों को, इसका चिंतन इसका उत्तर कौन देगा। इसलिए कि हमारे जीवन में श्रद्धा और चिंतन नहीं रहा, हम भोग विलास में डूबे, हमें धर्म को प्राथमिकता दी, हमें त्याग को प्राथमिकता नहीं दी, कृष्ण अपने आप को बहुत संपन्न करता गया। कृष्ण की सभ्यता और पूर्व की सभ्यता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वहां पर पैसों से गुरु खरीदा जाता है, गुरु आए, गुरु को तनख्वा दे दी, पे दे दिया, ट्यूशन ले लिया, गुरु अपनी जगह, हम अपनी जगह, कोई संबंध नहीं, कोई चिंतन नहीं। पर यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर गुरु शिष्य का पैसों के माध्यम से गुरु नहीं खरीदा जा सकता, यहां पर श्रद्धा है, एक सम्मान है, एक गुरु के बीच में रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो बाप और बेटे, माँ और बाप और भाई बहन समझ रिश्ते का नहीं हो सकता, ज्ञान और चेतना का देने का रिश्ता है। गुरु चाहता है कि मैं इसको इस रास्ते पर लेकर चलू जहां अपने आप में इसको पूर्णता मिल सके। उसके मन में एक तड़प होती है, बेचैनी होती है, और वह शिष्य को सब कुछ दे देना चाहता है, पैसा नहीं कहता कि नौ अब तुमने हमें इस साल इस महीने ट्यूशन दिया ही नहीं, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, ऐसा गुरु नहीं कह सकता, यहां पर ऐसा नहीं कहता। और जीवन भर शिष्य अपने आप में एक समर्पित रहता है, उनके प्रति एक अटैचमेंट रहता है, प्यार रहता है, उनके प्रति अपने आप को न्योछावर करने की चिंतन विचारधारा रहती है। और रही बात ग्रस्त की, तो ग्रस्त अपने आप में कोई साधना में बाधक नहीं है। हमारे तो एक भी देवता ऐसे नहीं हुए जिन्होंने सारी नहीं की, सन्यासी तो कोई हुए ही नहीं, सारे जितने ऋषि हमारे पैदा हुए वशिष्ठ और विश्वामित्र अपनी तनाद पुलिस और गर्ग और जो कुछ भी सबने साधना की, ग्रस्त बसाया, उनके जीवन में बाधक नहीं था, फिर हमारे जीवन में भी ग्रस्त बाधक नहीं है। ग्रस्त बाधक तब है जब हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, जब हम डूब जाते हैं उसमें, वह तो अपने आप में एक बेड़ी नहीं पाओ में, उनसे परे हटके के जब आप यहां बैठते हैं तब आप ग्रस्त नहीं है, तब एक आपका स्वरूप अलग है, तब आप एक साधक है, तब आपका चिंतन अलग है। ये हो सकता है कि यहां से जो ही बाहर निकले तब आप वापिस वैसे के वैसे बन जाए। एक तोता, बहुत सुंदर तोता,
आकाश में उड़ने वाला तोता है, उसको तो खाने में कुछ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से भूखों मरता है, मगर वो आकाश में मुंह तोड़ता है। इसके अपेक्षा एक और तोता है जो चांदी के पिंजरे में बंद है और उसका मालिक रोज को बाहर निकालता है, पिंजरे को धोता है, उसको स्नान कराता है, हरी मिर्च खिलाता है, अनार के दाने खिलाता है, मिठू राम करता है, मगर उसको थोड़ा सा हाथ लगाता है तो आधे सेकंड की उड़ता है और फिर पिंजरे में घुस के बैठ जाता है। वो आकाश में उड़ करके आकाश का एक आकाश को नापने का जो आनंद है वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पंख मर चुके होते हैं, उन पंखों में ताकत नहीं देते, और आपके पंखों में ताकत नहीं मिलती, क्योंकि पिंजरे में आपके पिता ने आपको पिंजरे में बांध करके रख दिया, चांदी का पिंजरा बनाया, एक आपको पत्नी दी, दो बच्चे दिए, 25,000 का बैंक बैलेंस दिया, एक व्यापार दिया, कैसे व्यापार में डूबना चाहिए, लोगों को कैसे ठगना चाहिए या कैसे कमाना चाहिए, और तुम बहुत खुश राम 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 करते रहे। कभी कोई बेचारा गुरु आया तो पिंजरे के बाहर निकले, आपने उसको आंख से बंद करके देखा, उसने आपको देखा, फिर पिंजरे में घुस गए, आपको गुरु की अपनी जगह। ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब आप आकाश में उड़ सकेंगे, ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब आकाश नाप सकेंगे पंखों से, हो सकता है अनाज के दाने नहीं मिलेंगे, अनाज के दाने खाने वाला मृत्यु भी पहले ही मर जाता है, इतना लंबा समय जिंदगी नहीं बीत कर सकता, हरी मिर्च खाने वाला मित्र तो हर समय उस बिल्ली के भय से डरा हुआ रहता ही है, सुरक्षित रहता ही है। अगर तुम्हारा यही जीवन है तो जीवन नहीं हो सकता, जीवन में तो वन शब्द लगा हुआ है, अगर वन है तुम्हारी जिंदगी में तो जीवन है, यह तो तुम एक भोग भोग रहे हो, जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारी जरूर नहीं जिंदगी जियो, तो जीना पड़ेगा, सांस तो लेना ही पड़ेगा, जब तुम नहीं मरेंगे तब तो सांस लेना पड़ेगा, क्या करें, और तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे पत्नी और तुम्हारी बंधु और तुम्हारे बांधव और तुम्हारे सगे और तुम्हें रिश्तेदार इस बात के लिए मना करेंगे कि तुम्हें ये ऐसा दुपट्टा नहीं ओढ़ना चाहिए, बेकार, और बेकार गुरु जी के पास जाना क्या करोगे, तुम करोगे क्या, 3 दिन दुकानदारी छोड़ोगे और 200 रुपये तुम खर्च करोगे और वहां मिलेगा भी क्या होगा, तो बेकार मूर्ख हो, मेरे अनुभव सीखो, इस दुकान पर बैठे रहो, मैं पूरी जिंदगी में अगर इस दुकान पर बैठ के कमाया है तो मैं तुम्हें भी कमाना सिखा दूंगा, तो उनका अनुभव बोल दू, उन्होंने जिंदगी में तो आकाश मोड़ने की कला सीखी नहीं, इसलिए नहीं सीखी, उनको कोई गुरु मिला नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में गुरु मिले ही, और ऐसा गुरु मिले, ऐसा सदगुरु मिले जो तुम्हें ठंडोर सके, आवाज दे सके, जो तुम दखिया सके, जो तुम्हारे अदेक कपाट जंग लगे हुए किमार है उनको ठोकर मार सके, कह सके, कोई जरूर नहीं है कि मैं धक्का मारूं और किमार खुल जाए, कोई जरूर नहीं है, समझे, मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे अदेक जो किमार बंद है और सात चीज भी उसे बंद है, आप बंद है क्योंकि तुम्हें 24 घंटों में 23.5 घंटे उस वातावरण में रहते हो जहाँ तुम ये कहते हैं ये सब बेकार है, यूज जैसे इसमें जाने की जरूरत नहीं, इन साधनों में, इन मंत्रों में, तंत्र में, देवताओं में कुछ पढ़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सुबह माँ लक्ष्मी की आरती कर दो, गीता दिया लगाओ, अगरबत्ती लगा दो, जय लक्ष्मी मैया, न घर में लक्ष्मी आवे न तुम लक्ष्मी पास जा, आज तक आयु सात चीज जो होनी है, लक्ष्मी मैया करते रहे तस्वीर जैसी थी वैसी वैसी तस्वीर, न बाहर निकली बिठाई, तुमने उसको बांध कर किया, उसको अगरबत्ती लगा दी, तुम बहुत खुश लक्ष्मी मैया से आरती कर, लक्ष्मी मैया अपने जगह खुश, कुछ अब 2 मिनट के लिए सारा जो कुछ कर रहा है करने में, कभी उस लक्ष्मी को बाहर निकलने की क्रिया भी सिखाई, कभी उस जीवन के चिंतन को देखने की, उस ग्रस्त में रहने की कला भी सीखने की क्रिया सीखी। एक कवि ने भगवान शिव का बड़ा सुंदर वर्णन किया, उसने कहा कि हम ग्रस्त तो कुछ है ही नहीं, उस कवि ने श्लोक में एक वर्णन किया, भगवान शिव की प्रार्थना की है, रुद्रा हम ये कर रहे हैं, एक यज्ञ संपन्न कर रहे हैं भगवान रुद्र के नाम पर, महादेव के नाम पर, और उन्होंने कहा कि मैं ग्रस्त कुछ हूं ही नहीं, मेरी अपेक्षा मैं दुखी भी कुछ नहीं हूं, तो कभी कह रहा है आपके दुख को देखने के बाद तो मैं सोच नहीं सकता कि भगवान शिव आप कितने भयंकर दुखी होंगे, एक आपकी पत्नी पार्वती कोई बात नहीं, मात्र तो कोई समस्या नहीं, फिर बेटा पैदा हुआ गणेश, तो इतना बड़ा पेट,
एमपी जितना तुम कमाते रहो खाता ही रहता है, तो एमपी नहीं तो खाने का। चलो दूसरा बेटा पैदा किया तो छह मुंह वाला, एक मुंह हो तो एक मुंह भरे। और भगवान शिव यहां तक भी कोई बात नहीं, तुम्हारा वहां नंदी बैठ और तुम्हारी पत्नी पार्वती का विवाह शेर है, और घर में एक ही घर में रहना, शेर और बैल को रोज झगड़ते होंगे, तुम दोनों को अटैल करते हो, बड़ा संघर्ष, बड़ा स्ट्रगल, बड़ा हर समय तनाव, और फिर तुम्हारे गले में सांप की माला, सांप, और तुम्हारे बेटे का वान चूहा, और वो आप कभी सांप को पकड़ो कभी चूहा इधर फुटके, और घर में हर समय इतना तनाव रहते हुए भी आप जिस आनंद और मस्ती के साथ रहते हैं, ऐसे आनंद और मस्ती हमें दीजिए भगवान शिव, हम ऐसा चाहते हैं, जिसमें ऐसा रहना।